सब्जी नहीं मिला है, सिर्फ चिकन ही मिला। तो हमको पहचानते ही नहीं ना, चेहरा फोटो देख के याद है। फोटो ही देखा ना। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दीदी लोग आज पूरा जा रहा है घर वापस, क्योंकि दीदी लोग सिर्फ दो दिन के लिए आए था घूमने के लिए। दीदी जीजू का यहाँ में कुछ काम था, इसलिए दीदी भी आया साथ में। तो आज जा रहा है, पूरा दुख की बात है। तो अभी देखते हैं बच्चा लोग इसके उठाए कि नहीं उठाए। और बच्चे लोग को अभी उठाना है, दीदी ने बोला है उठाओ, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जाना है ना, इसीलिए अभी मैं जाती हूँ बच्चे लोग को उठाने के लिए। ओके, गुड मॉर्निंग मामा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुजाय, गुड मॉर्निंग। कमो मैं गुरी दी तू खी का है आ मामा इधर। गुड मॉर्निंग बोलो ना पहले, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो ना। मम्मी अभी सो के होता है ना। गुड मॉर्निंग मम्मी, आज हमको छोड़ के जाएगा, जाएगा मुझे छोड़ के। ये अभी भी सो रहा है देखो। मेरे मम्मी तो सुन रहे, तो कब का हो चुका है। मत जा, हमको छोड़ के मत जा। मेरा बेटी है, ये मेरा बेटी है ना। इधर देखो, ये मम्मी नहीं जाएगा ना आज, मासी को सर के नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना मामा। मत जाओ ना, ए मामा मत जाओ दे। गुड मॉर्निंग मामा। सामान लोडिंग हो रहा है यहाँ में, दिखी में अभी जाने के लिए रेडी कर रहा है धीरे धीरे। देख सकते हो कितना सारा सामान यहाँ में भी है, यहाँ में। और दीदी यहाँ से बैतलनाथ भी लेके जा रहा है, इसलिए किसने दिया पैसा? बेबी ने दिया है, दो हमको भी दो। देगा हमको? नहीं देगा। हाँ मैं खा रहा है, बच्चे लोग मिलगी ना सुजा, हमको भी दो। देगा ना नानू, जा रहा है, इतना बड़ा बड़ा चप्पल पहन रहा है, किसका है ये? बाय बाय। क्या बोल रहा है ना नानू, जाएगा ना रहेगा? जाएगा, जाएगा। इसको किसी दो पहले, इधर में एक दो, मेरे पास आ। नहीं मासी के पास जाओ बोला है, मेरा बेटी है। वाओ, गुड गर्ल। अच्छा से जाओ दे, बाय बाय। और घूमने आओ दे मासी का घर में, ठीक है? आएगा? ओ बोरिंग लगा, नहीं आएगा? आएगा। ओ मासी का घर में आओ दे। और ओ मेरा घर दूर है, फिर भी आओ ना, मासी आपको मिस करता है ना। आओ ना, दूर होने से भी आओ दे, होगा? मैं और पापा जा रहे हैं गुना नगर में, पता थी गुना नगर क्यों जा रहा है। मैं और पापा जा रहे हैं गुना नगर पे, गुना नगर एक्चुअली जा रहे हैं हम लोग सब्जी लेने और कुछ सामान भी लेने के लिए, क्योंकि पापा हम लोग का घर पे और मेहमान आ रहे हैं, पापा का दोस्त आ रहा है। वो जब हम एक दो साल का था ना, एक दो साल का था तब वो आया हम लोग का घर पे आके बैठा था, वापस अभी चला गया था।
मैं एक दो साल में था ऐसा था, वो चला गया था, अभी आ रहा है घूमने। हमको तो शक्ल भी याद नहीं है, लेकिन मैं वो आ रहा है हम लोग का घर में घूमने के लिए, इसलिए मैं और पापा जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। उसको लोकल लोकल सब्जी ला देंगे बाजार से। पापा ने रेनकोट एक ही है पापा ने लगा लिया, मैं छाता पकड़ के जाऊंगी। अभी चलते हैं, चलो। हम लोगों को कुछ भी सब्जी नहीं मिला है यहाँ से। यहाँ में बिक्री करता है सब्जी, लेकिन आज सब्जी बिक्री करने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ ये चिकन और पोर्क ये बिक्री कर रहा है, और वहाँ से ले रहा है पापा चिकन। हम लोग को सब्जी नहीं मिला है, सिर्फ चिकन ही मिला है और कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि आज बारिश दे रहा है ना, इसलिए शायद सब्जी बेचने वाला नहीं आया होगा। घर में जाके ढूंढना पड़ेगा हम लोग का वहाँ से सब्जी, तब जाके खाना बनाएंगे। चलते हैं बारिश में भीग भीग के। घर में पहुँच चुके हैं हम लोग, और दीदी यहाँ में खाना बनाने के लिए रेडी कर रहा है बेदागी। हमें छिल के देखो, ये देख सकते हो आप लोग, ये है दाल बना रहा है। और यहाँ में एक भैया ने हम लोग से लग दिया, ला दिया जैक फ्रूट, पक पक गया, तो ये देख सकते हो पक गया पूरा। यहाँ में बना रहा है दीदी खाना, बहुत ही मेहनत कर रहा है, सुबह से बना रहा है खाना। सुबह में भी सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, अभी दीदी लोग चला गया, अभी फिर मेहमान आ रहा है, मेरा पापा का दोस्त आ रहा है, उन लोग के लिए खाना बना रही है। देखो यहाँ में चिकन बना रहा है, मेरा गाँव मेरा हाथ भी जल गया, देखो खाना बनाते बनाते। और यहाँ में मैं करूँगी आलू भजा, आलू आलू। यहाँ में चिकन पकने देते हैं, टेस्टी टेस्टी चिकन। अभी बना रही हूँ लंच। अंकल आइए। आ गया। हाँ का प्यार कितना सालों बाद चेहरा फोटो देख के याद है, खाना पक के रेडी हो चुका है, अभी खाना निकाल रहे हम लोग। यहाँ में बनाया है चिकन बेम्बू शूट का साथ में बेम्बू तेंगा। यहाँ में है जीगा सब्जी, और यहाँ में है बैंगन और मिर्चा पत्ता का साथ में, और यहाँ में है चिकन चिकन हो गया, और यहाँ में है और यहाँ में है कुकुम्बर। फाइनली तो फाइनली हम लोग का खाना खा के हो चुका है, तो अभी मैं दुकान में जा रही हूँ, कुछ मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया इसलिए मैं अभी शैम्पू लेने जा रही हूँ। और बच्चे लोग को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ दो दिन बैठा है ना हम लोग का घर पे, इसलिए हमने सोचा था तो और बैठेगा बोल के, दीदी बोला था आते समय कि वो लोग दो दिन बैठेगा बोल के, हमने विश्वास ही नहीं किया था। कोई बात नहीं, अपना अपना काम होता है, तो घूमने आया वही बेहतर है। बच्चे लोग को दिखने मिला एक दिन क्या दो दिन, बच्चे लोग को दिखने मिला उतना काफ़ी है। तो आज के लिए इतना, ब्लॉग को ये पेंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर से कभी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।